इस गर्मी के मौसम में कुछ ठंडे पीने का मन कर रहा हो तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये दो रेसिपीज। ये दो रेसिपीज बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये रेसिपीज कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज मेघा और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ समर में पिए जाने वाले दो ड्रिंक्स का रेसिपीज जो बनाने में बहुत ही ज्यादा इजी है। आप लोग इसको घर पे बना के अपने फैमिलीज के साथ एंजॉय कर सकते हो और अगर घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं तो उन लोगों को भी आप ये ड्रिंक्स सर्व कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, अगर रेसिपीज अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करें। सो पहले मैं बनाने जाऊंगी मैंगो शेक। अगर आप लोगों को सिर्फ 5 शॉट का वीडियो देखना है तो उसका टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैंगो शेक बना लेते हैं। सो मैंगो शेक बनाने के लिए पहले मैं एक मिक्सी का जार ले लूंगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मैंगो। मैंगो को मैंने पहले से ही चॉप करके रख लिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। अब मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। मैंने इसको एक बार चला लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आइस। स्मूदी हम लोगों का रेडी हो चुका है तो चलिए अब जल्दी से इसको सर्व करते हैं। जल्दी से बना लेते हैं 5 शॉट। सो 5 शॉट बनाने के लिए मैंने ले लिया है पान और ये जो पान है ये है कलकत्ता पान और ये पान आप लोगों को मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। सो पान का जो मोटा हिस्सा है इसको मैं पहले कट कर लूंगी। अब मैं पान को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। सो अब मैं एक मिक्सी का जार लूंगी और उसमें जो पान को मैंने कट करके रखा है उसको डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच कोकोनट पाउडर, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ बर्फ ताकि पान का जो ग्रीन कलर है वो खराब ना हो। आप लोग बर्फ या ठंडे पानी डाल सकते हैं। सो इसको मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच गुलकंद। अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि गुलकंद डालने के बाद इसका जो कलर है वो थोड़ा सा फीका हो जाता है, तो इसलिए मैंने फूड कलर डाला है। अगर आप लोगों को डालना नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें 3 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा बर्फ।
सो हम लोगों का पेस्ट बन के रेडी हो चुका है और देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। इसलिए थोड़ा सा फूड कलर डालना ज़रूरी है। फूड कलर डालने से इसका जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। सो आप लोग इस पेस्ट को फ्रिज में ऐसे ही 7 से 8 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप लोग इसको आइस क्यूब बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उससे आप लोग इसको 2 से 3 महीना तक यूज़ कर पाएंगे, और अगर अचानक से घर पे कोई मेहमान आ जाता है तो बस एक आइस क्यूब निकालिए और उससे ड्रिंक बना के आप लोग सर्व ही कर सकते हैं। सो मैंने फिर से एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें मैं अब डाल रही हूँ 3 चम्मच पान का पेस्ट। थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ, नहीं तो दूध डालने के बाद ये थोड़ा सा फीका लगेगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप दूध। यहाँ वैनिला आइसक्रीम का यूज किया है। आप लोग इसके जगह व्हीप क्रीम या फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट वैनिला आइसक्रीम से ही आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वैनिला आइसक्रीम यूज किया है। सो अभी हम लोगों का 5 शॉट बिल्कुल रेडी है और इसको मैं अब सर्व कर रही हूँ ये छोटे छोटे ग्लासेस में, क्योंकि 5 शॉट छोटे छोटे ग्लासेस में सर्व करते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको बड़े ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा हो, और अगर रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज इसको एक बार जरूर ट्राई करना। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी एक ड्रिंक है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।